घुसा क्यों तू तो लिफ्ट में देख, आप बोल मत तो अभी आवाज बची हुई है वो भी खत्म ना हो जाए देखो कौन आया आ जा हाथ में लगाना टूटा है बोपु? क्या हो गया इतनी चोट कहां से लगी और तुम क्या कर रहे थे जब इसको चोट लगी तो मुझ पे क्यों बिल फाड़ रही हो यार इसकी इस हालत का जिम्मेदारी है खुद है ये दौड़ा भागी कर रहा था ऑफिस में तो लिफ्ट के नीचे आ गया अरे तो लिफ्ट के नीचे क्या ढूंढ रहा था अरे ढूंढ नहीं रहा था ये लिफ्ट के अंदर था लिफ्ट टूट के गिरी ये गिरा लिफ्ट इसके ऊपर गिरी ये लिफ्ट के न... नीचे आ गया भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं आई लेकिन ये पट्टे वट्टे क्यों बांधे हड्डी वड्डी टूटी है क्या तेरी नहीं जीजी डॉक्टर के पास गया था उसने मारे हाथ बड़े अच्छे लगे तो प्लास्टर बांध दिया किस तरह की बात कर रही है हड्डी टूटी है वो तो इसका मुझे हाथ दिखा मेरी घड़ी पहनता है ये तो मैंने पहचान लिया तो मैंने इसको निकाला मलबे से वरना ये तो दब गया था मलबे में देख देखो तो फिक्र मत कर तेरी माँ तेरे साथ है मैंने तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी हाँ उसकी टेंशन ना से मम्मी तो मैं अपने हाथों से तेरे बाल बनाऊंगी अरे उसकी भी टेंशन ना सा पाइल लेके खड़ी रहोगे ठीक है मम्मी उसकी भी टेंशन ना से अरे तो तुझे टेंशन किस बात की है जी जी टेंशन ये है हां मेरा प्रेशर बन चुका है बाथरूम जाना से तो इसमें टेंशन की क्या बात है जा जाके हल्का हो जा तुझे हल्का तो हो लूंगा हल्का होने के बाद का, का काम कौन करेगा ना समझ रही तू हां ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ये कौन करेगा क्या क्या ऐसे क्या देख रहे हो मुझे है मैं नहीं करूंगा ये बता रहा हूं पहले ही संजू तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा देखो ना मासूम से बच्चे की शक्ल देखो कितनी तकलीफ में ये तो तुम अपने मासूम पति की भी देख लो ना शक्ल है क्यों यार मेरे पे ये अत्याचार कर रही हो बेबी यार मैं नहीं करूंगा ये अरे पंखे पूछे रही इससे क्या ये बापू का कुछ नहीं लगता लगता हूँ पर इतना नहीं लगूंगा मैं मैं मर गया रे जाओ ना संजू प्लीज बेबी नहीं मैं नहीं जा रहा ये सब मैं नहीं करूंगा कर दे भैया यहीं कर दे तू मेरे पर दे कह दे इससे अगर इसने ये काम नहीं किया तो बहुत बुरा हो जाएगा तो हो जाए जो अंजाम बुरा होना और इससे बुरा क्या अंजाम होगा भाई तू कर दे यार मैं नहीं जा रहा संजय तुमको मेरी कसम है मैं भी यार ये, ये गलत है यार जा जा जा, जा बू चल सुनो धीरे ले जाओ यार तकलीफ में हूँ तकलीफ में है ये क्यों रे तू तो लिफ्ट से इतनी ऊपर से गिरा गिर के आदमी का कचूमर निकल जाता है तेरे अंदर चीजें बाकी कैसे रह गई निकली क्यों नहीं आ। निकाल फटाफट चल दिखा रे हो गया चीज़ा हो गया हाँ ये ले गर्म पानी आखिरी बार दांत कब साफ किए थे तूने अंदर से का ही निकल रही है अच्छा हुआ तेरा किसी के साथ इश्क नहीं हुआ वरना तू लड़की की पप्पी लेता लड़की वही बेहोश हो जाती है।, तुल्ला कर, एरे आजा नाश्ता है तेरे पसंद के छोले बने हैं छोले नहीं छोले, छोले नहीं देगा इसको कोई क्यों क्यों छोले खाके गोले छोड़ता है गैस के हजम नहीं होते इसको छोले दो दो तीन तीन बार जाता है ये बाथरूम कितनी बार भी जाऊं पेट पेट लेकिन हाथ मेरे समझ गया ना? मुझे क्या रामलाल समझ के रखा हुआ है क्या? अंदर जाके छोले वाले नहीं इसको कुछ हल्का दो दलिया वालिया छोलो उछल उछल के टकरा मेरे दामाद के मुंह से और बोल इससे कि बड़ी शौक से बनाया है हमें ठीक है खिलाओ खिलाओ फिर उसके बाद में ना बाथरूम में आप लेके जाना इसको मैं नहीं जाऊंगा नालायक तुझे छोले ही खाने होते हैं क्या हाँ दलिया नहीं खा सकता तू तेरी जीप ज्यादा लपलपा रही है अभी तो तेरे हाथ में ही फ्रैक्चर हुए ज्यादा चू चपड़ की ना तो तेरी जबान तोड़ के उस पर भी मैं प्लास्टर चढ़ा दूंगी क्या रही हूँ दलिया बनाने क्या मुझे क्या दिख रहा है यार तेरी माँ की ममता की नदियां बाथरूम जाने के नाम पे कैसे सूख गई देखा नहीं भाई मासूम ना बन। सारा तेरा किया धरा है शराब दे रहा तुमने अगली बार जब छोले खाएगा ना तो छोले बन के तेरे पेट में ऐसी तबाही हो जाए चल चल दो रुपए देने की औकात नहीं है शराब दे रहा हूँ खाप दो महीने तक दलिया खा तू खा लूंगा पहले मन्ने नहला दे शेर धुलवाते मन्ने ना बेरा तू मन्ने नहला दे बस वरना मैं ऑफिस न जाऊंगा मत जा यही पढ़ा रहे बिना नहाए तो घर के किसी कमरे में भी ना बढ़ूंगा मैं नहला दे दुखी आत्मा को और दुखी ना करे वरना एक और शराब दे दूंगा तुझे पता तू तो पिछले जन्म में क्या था क्या मेरा किया हुआ पाप जो इस जन्म में सजा बन के मुझे मिला है चल <laughs> चल देख लो और देख लो सपने तुम्हारा सपना पूरा करवाने लेके जा रहा हूं इसको मैं नहलाने के लिए चल भाई सॉरी संजू मुझे तो अब आग बंद करने से भी डर लग रहा है ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी माता की चौकी में गुजार लूं। माता की चौकी पे भी एंट्री नहीं मिलेगी बेबी तुमको ऐसे मत सोचो ठीक है ना माता भी देखती है सब ऐसी बीवियां जो अपने पति को इतना परेशान करती बैंड बजा के रखती है ना उनके माता बोलती भाई चलो यहाँ चौकी पे नहीं आना बाहर ही चलो चल भाई चल चल सॉरी यार चल मैं न जा रहा उधर मैं खुले में रहूंगा आंगन में चल उधर ले चल अच्छा ये बताइए कि जब इंडिया को वर्ल्ड कप मिला था तो आपका रिएक्शन क्या था वाह अरे वाह अरे वाह वाह वा। वाह wow! बिलियन। <laughs> मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए अब ज्यादा पूछेंगे तो मरीज को तकलीफ हो सकती है या yeah. uh, just डॉक्टर की इन सवालों का हम क्या करेंगे कैसी बात कर रही है आप देखिए इन्हें आप याद कर सकती है ताकि मैं कभी आपका टेस्ट लूं तो आपको अटपटा ना लगे राइट राइट बट कमिंग बैक टू दिस हम जो सवाल पूछना चाहते थे वो तो ही नहीं क्या बात करी है पूरी जिंदगी तो इसने खोल के रख दी अब और क्या जानना है आपको हमें ये जानना है कि इन्होंने कौन सा राज छुपा के रखा हुआ है वो चोरी वाली बात नहीं नो नो नहीं नहीं अब क्या राज छुपा ये बताइए मासूम आदमी को कितनी तकलीफ देंगे आप लोग मिस्टर <laughs> साजन आपके दिल में कोई राज है ये जानना चाहते हैं तो प्लीज बताइए इन्हें <laughs> um doctor <clears throat> okay? i'll talk to him now okay okay, okay. okay. come okay. come mr sergeant sanjana here <laughs> <laughs> okay okay साजन मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाल ही में जब आपका किडनैप हुआ था तो उस मास्क मैन ने आपसे क्या कहा था कीजिए बताइए क्या कह रही हैं? मुझे क्या मालूम आपने पूछा आप अभी तो आप जो सवाल कर रहे थे आप सब समझ रहे थे कि क्या जवाब दे रहे हैं अब आप कैसे नहीं समझ रही है exactly. हाँ, तो सब मेरे सवाल थे ना तो मुझे पता वो जवाब क्या देगा देखिए जो भी सवाल के जवाब है डीकोड कीजिए आप वरना आपकी क्लिनिक बंद करा दूंगा मैं oh. कमिश्नर ऑफ पुलिस मेरा दोस्त है समझे आप अच्छा प्लीज मिस्टर साजन आई बैग यू प्लीज इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि उस मास मैन ने आपको क्या करने के लिए कहा था लेमन जूस ले, ले। huh? हाँ आई गॉट इट ये कह रहे हैं कि ये मुझे काइंड ऑफ शिकंजी पिलाना चाहते हैं आ, मेरा मूड नहीं है नो सॉरी डॉक्टर मेरी तरफ से भी आप एक लेमन चूस लीजिए। जी <laughs> अरे मम्मी वो खेलता ही नहीं है सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है अरे तो बेचारा कब खेलेगा हाँ दिन रात तो मेहनत करके थक जाता है ना तो क्या पता संडे को उसका मूड बन जाए नहीं बनेगा पूरा दिन सोता रहेगा वो अच्छा ठीक है लेकिन तू रैकेट से क्यों गद्दे को झाड़ रही है डंडे से झाड़ लेना डंडे फेंक दिए मैंने मम्मी क्यों फेंक दिए एक सपने की वजह से दामाद जी के बारे में सपना देखा रुक जा मैं गैस करती हूँ तूने देखा होगा कि मैं दामाद जी के डंडे से पिटाई कर रही हूँ लगभग गैस तो सही था आपका लेकिन पिटाई आप नहीं मैं कर रही थी शाबाश मेरी बच्ची कमाल कर दिया तूने पर डंडा क्यों फेंक दिया बॉडम लड़की चुप करो यार मम्मी मैं क्यों चाहूंगी कि अपने पति की डंडे से पिटाई करूं क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और तेरा पति लातों का भूत है ना जब तक उसे डंडे नहीं पड़ेंगे ना उसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी चुप करो यार मम्मी एक तो बेचारे पूरे घर का खर्चा उठाते हैं ऊपर से मैं सपना ऐसा देख रही हूँ कि उनकी बैंड ही बजे जा रही है अरे पर सपना देखा है तो सच तो होगा ही ना डंडे फेंक देने से रुक थोड़ी ना जाएगा ये वाला सपना सच नहीं होगा ये मैं होने ही नहीं दूंगी तो रोक नहीं पाएगी खुद को वो काया दामाद तुझे इतना गुस्सा दिलाएगा ना कि तू उसकी पिटाई कर देगी और तेरे आसपास जो भी होगा हथौड़ी या चक्को तो उससे ही हमला कर देगी उसकी जान भी जा सकती है उससे अच्छा डंडा रख लेना बस थोड़ी सी चोट ही तो आएगी चुप चुप बोलो यार मम्मी मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में रखूंगी जब मुझे पता है कि मेरे गुस्से का अंजाम क्या होने वाला है मैं गुस्सा नहीं दूंगी <laughs> अरे मेरी बोली बॉडम बेटी तुझे खुद नहीं पता तेरे सपनों में कितनी ताकत है खैर जब तू तो उस दामाद की पिटाई करेगी ना तब मुझे बुला लेना बड़ा मजा आएगा। मिस्टर साजन मिस्टर साजन मिस्टर साजन ओ ओ तरीका होश में आने का सॉरी मैडम सॉरी मैं कौन सा मैडम रोज बेहोश होता हूँ हमें आज पता नहीं हो गया कैसे क्या पी के मैडम कुछ मैं क्या हो गया मुझे सॉरी well, लेकिन आपके जूस में मैंने जूत सीरम मिला दिया था इट्स जस्ट आप पिछले कुछ दिनों से एक राज दबाए बैठे हैं और मैं वो राज जानना चाहती हूँ आपने मेरे साथ चीटिंग की चीटिंग तो आप कर रहे हैं मिस्टर साजन जो आपने ये राज कुछ भी कहा नहीं। मतलब? मतलब मैं जानती हूँ कि कुछ तो बात है मिस्टर साजन लेकिन वो क्या बात है आपने बताया नहीं क्या बात है मत बना। किसी भी तरह वो नौकरी वापस हासिल कर दो आप मेरी मैडम को जानते नहीं हो तो मुझे नहीं जानता आज मुझे लगता है कश्मीरा को मारी देना चाहिए नहीं, नहीं तो एक काम कर तेरी सास को बोल वो चड्डी से बात करे चड्डी च़, नहीं है वो छेदी है एक ही बात है अगर तेरी सास छेदी तो को बोलेगी ना तो तुझे तो नौकरी पर वापस रख लेंगे पानी मारता रहे अरे वाह तुम यहां लग गए बहुत सही। शाबाश मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम पर मेरी कही हुई बातों का बहुत अच्छा असर अच्छा हुआ तुम्हें पता है अपने घर में भी मैं सबको ऐसे ही बोलता हूँ कि भाई मेहनत करो लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है और तुमने मेरी बात सुनी मुझे बहुत अच्छा लगा मैं आज तुमसे ये सारी सब्जी खरीद के घर लेके जाता लेकिन क्या है ना मुझे कहीं काम से जाना है खैर कोई नहीं ये शगुन के तौर पर रख लो अरे रख लो भाई काम आएगा अरे रख लो रख लो यार शर्माते बहुत हो रखो तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया इस टाइम का इस्तेमाल कर छेड़ी को निपटाफर गोइंग oh, yes! yes! <laughs> <somewhere>? ब्लाइंड <laughs> रामो आंटी कैसे दिखते हैं वो तो आप जानते हैं पापा तो ब्लाइंड डेट तो क्वालिफाई नहीं होता आई नो बेटा लेकिन जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ उनको नहीं जानता कि वो कैसी दिखती हैं और यू मीन बेटा ये मान लो कि मेरा एक नया जन्म हुआ है पीछे जो भी कुछ था वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं नई नई जवानी में कदम रख रहा हूँ आई एम फ्री वर्ड फ्री वर्ड बेटा मुझे रोको वर्ग मैं उड़ जाऊंगा <laughs> वेल well, अगर रमो आंटी ने आपको ऐसे देख लिया तो वो डेफिनेटली आपके पर काट के आपको पिंजरे में बंद कर देंगे प्लीज बेटा उनका नाम ना लो प्लीज 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 क्या हुआ ब्रेकअप <laughs> हो गया मेरा What? हाँ बेटा हम दोनों के बीच में एक बहुत 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 बड़ा झगड़ा हुआ फिर हमारे जो भी रिश्ते थे वो हमने तोड़ दिए लेकिन अब मेरा फैसला क्या है कि अब जिस भी लेडी को देखूंगा पहली बार खूबसूरत लेडी को बस उसके साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगा नो मोहब्बत ओनली शरारत यू लव्स अबाउट चीजें यू लव्स सोबाब वेल मेक सेंस इन अ वे पापा क्योंकि मिस्टर साजन को भी मैंने फायर कर दिया है तो ठीक ही है जो हो रहा है मिस्टर साजन क्यों क्यों पापा आपके सामने तो सब कुछ हो रहा था सवाल पूछ रही थी मैं उससे जवाब ही नहीं दिया मिस्टर साजन ने अब ऐसे गद्दार को ऑफिस में रख के क्या करना है ही इज नॉट लॉयल पापा उसे जॉब पे रखने से अच्छा तो मैं कोई एक डॉग का पपी ले लूं एक मिनट बेटा एक सेकंड बेटा पपी डॉग ये सब एड के आइडियाज तो नहीं देंगे ना इट्स ओके इट्स ओके हम किसी और को रख लेंगे ये फैमिली मुझे शुरू से एकदम अजीब सी लगती थी पता नहीं क्यों मैं मिस्टर साजन की सास को जब भी देखता था मुझे लगता था जैसे दो पहलवान कुश्ती के मैदान में खड़े हैं यू यू लुक लुक आप आप यस और मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर साजन जो है वो दुश्मन देश के स्पाई हैं जो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं एंड हम अनफॉर्चुनेटली उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे हैं

हाँ, हमने कोई गलती नहीं की है हम क्यों सब कुछ भेज भाज के चले जाएंगे जिन्होंने गलती की है वो अब हमारे लाइफ में है ही नहीं अब हमारा उस फैमिली से कोई लेना देना है ही नहीं सो करेक्ट पापा यू लुक यस योर डैड लुक्स सुपर हु आर यू गोइंग आई डोंट नो शी

आपका परिवार हमें दो बार पीट चुका है क्यों क्योंकि आपके कहने पर हमने कश्मीरा जी पर थोड़ी सी लाइन मारी तूने थोड़ी सी लाइन मारी होती ना तो कोई नहीं पीटता ठीक आ... है थोड़ी से थोड़ी ज्यादा लाइन मारी क्यों मारी? चुप रहिए। ज्यादा बकवास मत कीजिए हमें बहकाइए मत अपनी साजिश का ठीक रहा हमारा सर पे मत आप आपने हमको फंसाया और हम मासूम इतना भी नहीं समझ पाए कि कैसे एक आदमी अपनी बीवी को दूसरे आदमी के साथ बांट सकता है उसको सौंप सकता है साले सौपी मैंने मैंने खाली कहा कहा था कि ये कहा था कि कि अपनी तरफ उसको आकर्षित करो खींच लो थोड़ी ना जाके सबके सामने ऐसा दिखाओ कि मैं उसको कंधे पे उठा के बिठा के अपने लेके भाग जाऊंगा झूठ सच सच कह रहा हूं मैं ठीक है मेरे मन में कोई मैल नहीं है मैं मैं मैं, मैं, मैं कश्मीरों की कसम खाता हूँ सच कह रहे हैं हाँ देखो देखो बालू जी देखो मैं ना मैं अभी भी चाहता हूँ कि आपका और मेरी बीवी का रिश्ता जुड़ जाए और आप उसका सहारा बनो लेकिन अगर आप अपनी ये हरकतें बंद नहीं करोगे ना तो आपको सहारे की जरूरत पड़ जाएगी तो फिर कौन सी हरकतें करें हम अब इस पगल हरकतें नहीं करनी है नहीं करनी है सिर्फ दाना फेंकना है उससे ऐसी ऐसी बातें करनी है कश्मीरा से जो उसके पसंद की बातें हों शाहजन जी हाँ, मैं पता ही नहीं है कि उनको क्या पसंद है मैं बताता हूँ ना देखो कश्मीरा को सबसे ज्यादा पसंद है शाहरुख बेटा इस शेर में तो मैंने सिर्फ चीटी भबरा वही मकोड़ा हाँ। और फूल का जिक्र किया है बस नाइस 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 वैसे पापा आपको रमो आंटी की याद आ रही है क्या हुँ? आपको रमो आंटी की याद आ रही है नहीं। well, लेकिन हो सकता है कि रमो आंटी को आपकी बहुत याद आ रही हो you know, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाके उनसे पूछना चाहिए कि क्या उन्हें आपकी याद आ रही है कि नहीं, नहीं मैं क्यों पूछूं, बेटा ना, 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 ना. No, I mean, सोचिए पापा आपकी यादें जो हैं वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके बारे में कोई और कैसे सोच सकता है ये ये बात सही है बेटा कि या तो मेरी प्रॉपर्टी exactly. है वो वो कैसे यूज कर सकती है शी कांट शी कांट पापा आपको जाके उन्हें पूछना चाहिए यू हैव टू बी यू नो स्टर्न विथ हर पूछिए कि व्हाट्स द सीन हां या या ठीक है मैं 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 जाके पूछ तो या यू शुड सुन बिल्कुल सही रास्ता दिखाया मुझे hmm. <laughs> लेकिन मेरा मन नहीं है बिल्कुल अपने मन से नहीं जा रहा हूँ मैं फोर्स कर रही हूँ ना आपको haan, haan, haan. मैं फोर्स कर रही तो आप मेरे लिए जा रहे हैं करेक्ट तू फोर्स कर रही है ना बेटा तो इसलिए जा रहा हूँ yes. लेकिन मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूँ no, 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 no. बिल्कुल करेक्ट यू डूइंग थैंक यू सो मच मुझे बहुत सही रास्ता दिखाया है। हाँ हाँ बोल रहा ए, एक शेर और वही सुना दीजिए पापा वहा करेक्ट करेक्ट सुनाएंगे वहां सुना तूने बिल्कुल सही चालो, चालो। रास्ता देखा है तो। चलो भाई चलो पापा रास्ता उधर है अरे हाँ। बाहर का रास्ता वहां से वहां है ना हाँ हाँ सही रास्ता देखा है hmm. दोस्त तुम तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है जो सिर्फ सर दर्द की दवा मांग रहा है तुम्हारे सर में तो अर्थी फोटोसिंथेसिस शुरू हो गया है यार सुन एक विदेशी दवा है जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है सर लेकिन देखो भैया पैसे मत देखो जान है तो जान है अरे पर अरे सिर्फ दस हजार मात्र साहब आप अपना गाल आगे कीजिए अरे वाह क्यों पप्पी लेने वाले हो लो भाई साले मैं दबा अपने लिए नहीं अपनी माँ के लिए लेने आया था बीमार वो है मैं नहीं खिलाड़ी पहले बताने चाहिए था ना? बताया यार चेप के चल साले कमीने। बोल बे। खिलौनी क्या कर रहे है अरे कुछ नहीं यार बस अभी अभी थप्पड़ खा रहा था फिर तो तुम मेरा दर्द बहुत अच्छी तरह से समझ पाएगा यार तुमसे किसने कुटा बे कुटा नहीं है यार लेकिन मैं कुटने के ना बहुत नजदीक पहुंच गया हूँ यार साले की कदर है साली की कदर है यार जीजा की कोई कदर क्यों नहीं किसी को बेटा वो सिर्फ तेरे घर में नहीं, नहीं यार बाकी सब जगह ना जीजे को भगवान की तरह मानते हैं भाई अरे मेरे यहाँ तो शैतान वाली भी इज्जत नहीं देते यार अरे यार साजन अबे चल छोड़ ऐसे बता कि जैसे कभी तुझे लग रहा हो कि छाती के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ वजन पत्थर एकदम रखा हो और एकदम से हल्का हो जाए निकल जाएगा जाए। हाँ मतलब ये भी कई बार हुआ यार जब तेरी भाभी नाराज होके मेरे सीने पे बैठ जाती है और गुस्से में दो चार ढूसे मार के नीचे उतरती है अब मैं यहाँ पे तुझे साहित्यिक भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तू अपने गलियर छाप डायलॉग से बाज नहीं आ रहा यार खिलौनी अरे यार तुझे पता है यार मैं शायराना टाइप का आदमी नहीं हूँ यार जब कोई शेर मारता है ना मेरे सामने तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भेजे पे कोई फटाखा फोड़ रहा है यार तू साफ साफ बोल ना यार क्या बात है तो सुन सीधे सीधे कूट दिया भाई हाँ तोड़ दिया भूपेश को पूरा हाँ? तेरे दिए हुए सारे बदले ले लिए आज उससे अच्छा आ रहा हूं बे आ रहा हूं सुन कैसे लिया बदला कैसे क्या गया कमरे में अपनी माँ के बिस्तर पे ना कंबल ओढ़ के सो रहा था पहले तो देख लिया था सासू मां गई तो कोई था ही नहीं कमरे में फिर मैंने जो बंद की है, कुंडी और फिर जाके जो कोटा है आत्मा तृप्त हो गई खिलौनी मेरी बधाई हो बेटा वैसे ये कारनामा कब किया बे अभी बस तोड़ के ही आ रहा हूँ उसको बस तुरंत तुझे फोन किया है खुशखबरी देने के लिए सुन भूपेश को मानने से पहले उसका चेहरा देखा था क्या बस साले तूने ही प्लान बताया था ना कि चेहरा नहीं देखना तकिया रख देना तकिया मेरा इतना टाइम नहीं था मैंने हाथ से जो मुंह दबा के कूटा है ना उसको वा! अबे क्या हुआ तू क्यों पूछ रहा है इतनी डिटेल बेटा हुआ ये कि पिछले दस मिनट से भूपेश मेरे सामने खड़ा हुआ है ओ ओ और पहली बात तूने किसी धुना बे और दूसरी बात वो आदमी कौन था जो तेरी सासो मां के बिस्तर में रजाई ओढ़ के सोया था बेटा ओ गॉड वहां पे बैठे उफ ओ गॉड इजी इजी पापा इजी 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 व्हाट हैपेंड बेटा एक्सीडेंट ही समझ बेटा धोखे के ट्रक से टकरा गया मैं बेवफाई की लॉरी के नीचे आ गया अत्याचार के टैंक के पहियों ने मुझे कुचल दिया नहीं no, पापा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं anyway, एनीवे मैं मेडिकल बॉक्स लेकर आती हूँ बेटा जो तो बाहर की चोटें हैं इस पे तो तू बेटा मेडिसिन लगा सकती है लेकिन जो अंदर मेरे दिल में घाव हुए हैं उसकी मेडिसिन के लिए कौन सी मेडिकल शॉप पे जाओगी ये बताओ बेटा पापा हुआ क्या व्हाट व्हाट हैपेंड